हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म पास आ रहे हैं और अचानक एक प्रॉब्लम लगभग हर बच्चा फेस कर रहा है कि एक से ज़्यादा टॉपिक उसे करने पड़ रहे हैं। वेल, ये बात पहले क्लास टेंथ में नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये बात क्लास टेंथ में भी आ चुकी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हर स्कूल या जहाँ भी आप पढ़ने चाहते हो, टीचर चाहते हैं कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर उस पर रिविजन करे जाएं बहुत सारे। तो इसके चलते क्या होता है कि मान लीजिए स्कूल में दो टीचर्स हैं और वो दो अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कोर्स जल्दी हो जाए, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और फिर जहाँ आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पर एक और टॉपिक कराया जा रहा है, तो एक ही सब्जेक्ट के तीन तीन टॉपिक्स को कैसे कोप अप करें भाई, बहुत मुश्किल हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाते हैं। और ये एक ऐसी बात होती है जो आप किसी से शेयर कैसे करो यार, कोई समझ नहीं पाएगा उस चीज़ को। हमें मालूम है ये प्रॉब्लम, क्योंकि हम ऐसी प्रॉब्लम को हर साल देखते हैं। क्लास ट्वेल्थ के अंदर तो कोर्स को बड़ी जल्दी से जल्दी ख़त्म कराया जाता है, और क्लास अलेवेंथ के लिए तो सितंबर एग्जाम में मैक्सिमम चैप्टर्स दे दिए जाते हैं। तो क्लास टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ के अंदर ये एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है। दोस्तों, पहली बात कि गिव अप मत करना, क्योंकि अगर गिव अप कर दिया तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर जो है वो बहुत आसान है और मुश्किल है, तो जो आसान चैप्टर्स हैं उनको भी लूज कर जाओगे। सबसे पहले एकदम काम हो जाओ, कूल, एकदम से कूल हो जाओ, और फिर एक लिस्ट बनाओ कि अभी मेरी प्रायोरिटी, मान लो दो या तीन टॉपिक चल रहे हैं तो किन दो में है, और तीसरा जो टॉपिक बच गया होगा उसके क्लासवर्क को रिवाइज कर लो, ताकि जहां पे भी आप बैठे हो जब वो नोट्स मिल रहे होंगे तो आप कंफर्टेबल हो, और बिना झिझक टीचर से जाके बात कर लो कि भाई मैडम या सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, आप बताओ मैं क्या करूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ कि अभी एक पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा स्लो कर लूँ। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़ दो, एक टाइम टेबल बनाओ, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या कर लिया है और मेरे पास क्या पेंडिंग है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ बच्चे कहते हैं हमसे टाइम टेबल नहीं बनता, तो सबसे पहला काम यही करिए कि टाइम टेबल क्रिएट करिए। अब देख लीजिए कि पर वीक आपने कितने टॉपिक्स कर लिए, कितने सब्जेक्ट्स कर लिए और क्या पेंडिंग था। अब मेरे ये दो टॉपिक्स में से एक टॉपिक स्ट्रांग हो गया है, तो जो अभी आपने बहुत लीनेंटली लिया हुआ था जिसको, उसको अब ऐड कर लो। तो इस तरह से चलते चलते ही आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा दम मारना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर मेजर सिलेबस सितंबर एग्जाम में आ रहा है तो फिर आगे तो आपको भी बहुत कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि आपको उसके बाद 10 ईयर्स करने हैं, क्वेश्चन बैंक्स करने हैं, तो आप कंफर्टेबल भी रहोगे उन सब चीज़ों में। तो प्लीज़ इस चीज़ का स्ट्रेस या बर्डन मत लेना, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो याद रखो स्टूडेंट्स, अगर अच्छा मूड हो और दिल और दिमाग दोनों काम कर रहे हो तो पढ़ाई बहुत आसानी से आ जाते हैं, और उसके पीछे पीछे आते हैं मार्क्स, जो कि आपकी परसेंटेज और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ABTE।